नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी चीज़ अशोक के शिलालेखों में नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए ब्रह्मलिपि, ऑप्शन बी कर संबंधी विवरण, ऑप्शन सी अंकों का प्रयोग, ऑप्शन डी उपर्युक्त अशोक के उपर्युक्त सभी अशोक के शिलालेखों में पाई जाती है। चलिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ पिछले वीडियो में, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस क्वेश्चन को गलत मत होने दीजिएगा। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन सी अंकों का प्रयोग। अशोक के शिलालेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, इनमें शून्य का प्रयोग नहीं मिलता। 8वीं शताब्दी से भारत में शून्य का प्रयोग के पक्के प्रमाण मिलता है। वीडियो पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान के मेवाड़ राज्य की स्थापना की, ऑप्शन ए नागादित्य, ऑप्शन बी शिलादित्य, ऑप्शन सी बप्पा रावल, ऑप्शन डी महेंद्र द्वितीय। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन सी बप्पा रावल। राजस्थान के मेवाड़ राज्य की स्थापना बप्पा रावल ने की। चलिए अगला क्वेश्चन। जंगल के जलने का प्रथम स्थान किस काल का है? ठीक है, ऑप्शन ए ताम्रकाल, ऑप्शन बी पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन डी ऋग वैदिक काल। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल। दावानल का प्रथम साक्ष्य उत्तर वैदिक काल का है, जंगल जलने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अजंता की गुफाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ओके, ऑप्शन ए पद्म पाणी और वज्र पाणी के चित्र इन्हीं गुफाओं में पाए गए, ऑप्शन बी इन्हें यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर माना, सी ये हिंदू जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है, डी इन्हें 1819 में दोबारा खोजा गया। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए
सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये हिंदू जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाएं केवल बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, ये गलत था ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में सुदामा गुफा से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कनिष्ठ। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। सुदामा की गुफाएं बिहार में गया और जहानाबाद जिले की सीमा पर हैं। इनका निर्माण अशोक ने कराया। सुदामा की गुफाएं बिहार में गया और जहानाबाद जिले की सीमा पर हैं। ठीक है, अशोक ने इनका निर्माण कराया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऐसा ही अर्थ सिंधु घाटी सभ्यता के किस और स्थान का है? ऑप्शन ए रंगपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी कालीबंगन। चलिए 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही ऑप्शन, कमेंट करिए सही ऑप्शन, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी लोथल। लोथल के लोथ शब्द का अर्थ है सव। लोथल का भी अर्थ सवों का स्थान है। ठीक ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन। बौद्ध मठों में बिहार किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए भिक्षुओं का निवास स्थान, ऑप्शन बी पूजा का स्थान, ऑप्शन सी भिक्षुओं का मंडल गृह, ऑप्शन डी बाग। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए भिक्षुओं का निवास स्थान। बौद्ध धर्म में बिहार प्राय भिक्षुओं के रहने के स्थान को कहा जाता है। चैत्य चर्चा के स्थान को कहा जाता है। चैत्य स्तूपों में होते थे जबकि बिहार स्तूपों में नहीं होते थे। एक्सप्लेनेशन वीडियो पॉज करके आप दोबारा पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। तंजौर, अनहिलवाड़, धार और कन्नौज क्रमशः निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी थी? ठीक है, ऑप्शन ए प्रतिहार, परमार, सोलांकी, चोल। ऑप्शन बी चोल, सोलांकी, परमार, प्रतिहार। ऑप्शन सी पांड्य, सोलंकी, प्रतिहार, चोल। ऑप्शन डी चोल, परमार, प्रतिहार, सोलंकी। चलिए
चलिए 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, चोल, सोलंकी, परमार, प्रतिहार। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी, सोलंकी राजाओं की राजधानी अनहिलवाड़ थी, प्रतिहार राजाओं की राजधानी कन्नौज और परमार राजाओं की राजधानी धार थी। एक्सप्लेनेशन को वीडियो पॉज करके दोबारा पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन कहाँ बिताए? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी श्रवण बेलगोला, ऑप्शन डी अवंती। चलिए 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। ऑप्शन सी श्रवण बेल गोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी समय में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और आखिरी दिन श्रवण बेल गोला में बिताए। ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, माफ़ करिए। वहाँ पर 297 ईसा पूर्व में उसने अपने उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। चलिए एक्सप्लेनेशन वीडियो पॉज करके आप दोबारा पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तंजौर, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी लखनऊ। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही आंसर क्या है। चलिए देखते हैं सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन बी तंजौर। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है और दुनिया का पहला पूरी तरह से ग्रेनाइट का बना है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर है। इसे चोल राजा राजराजा वन ने बनवाया था। यह 211 मीटर ऊंचा है और अपनी तरह की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। नंदी की मूर्ति एक स्तंभ पर टिकी हुई है। ये भगवान शिव को समर्पित है। वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन आप दोबारा पढ़ लीजिए। चलिए इसी के साथ पूरे होते हैं आज के 10 क्वेश्चन इस वीडियो के। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें, ठीक है? और ये 10 क्वेश्चन आप वीडियो को दोबारा 1, 2 बार, 3 बार आप देखते रहेंगे तो याद हो जाएंगे और इंटरेस्टिंग भी लगेंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।